Stress and strain are part of my daily life. Yoga transformed me and gave me relief. That's why I practice yoga regularly. जय हिंद दोस्तों, ये जो वीडियो भी आप लोगों ने देखा है ये कोई फैन मेड नहीं है। फैन मेड वही जानते हो ना, कोई फेमस मूवी आने वाली रहती है तो उसके जो फैंस रहते हैं अपने हिसाब से एक ट्रेलर बना देते हैं। तो ये जो अभी आपने करीना खान का जो वीडियो देखा वो कोई फैन मेड नहीं है, बल्कि ये बनाया है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, मतलब आयुष मंत्रालय ने ये वीडियो बनाकर जारी किया था। ये वीडियो डाला गया था 16 तारीख की शाम को ट्विटर के ऊपर, जिसके बाद इनको काफ़ी ज़्यादा आक्रोश का सामना करना पड़ा। अब क्यों सामना करना पड़ा ये मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये जो करीना खान जी हैं, जिनको कि अभी कुछ समय पहले सीता का रोल देने की भी बात चल रही थी, इनको आयुष मंत्रालय अपना योगा का ब्रांड एम्बेसडर बना रहा है। अभी कुछ ही समय में योगा डे आने वाला है और योगा को हमें बचाना है। क्यों भैया? क्योंकि योगा पिछले कुछ एक सालों में, 10-15 सालों में, योगा एक ऐसी एक कला निकल कर सामने आई है, एक ऐसी विधि निकल कर सामने आई जिससे कि आप अपने आप को बहुत फिट रख सकते हो, अपने आप को तरोताज़ा रख सकते हो, अपने स्ट्रेस को दूर रख सकते हो। तो जब भाई वेस्टर्न कंट्रीज़ को पता चला इस चीज़ के बारे में, तो उनने क्या सोचा कि भाई इसको तो हम दिखाएंगे कि इसको हमने ओरिजिनेट किया है, पर भारत में ये कई सालों से हो रहा है। ऐसे में भारत को इसे बचाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मोदी सरकार ने योगा डे के नाम से एक डे सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। पूरे विश्व में उस दिन योगा डे मनाया जाता है, भारत में उसको लेकर कार्यक्रम भी होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन विवाद कहाँ बन गया? विवाद बन गया करीना खान में की इसमें एंट्री के बाद से। करीना खान की इसमें जैसे ही एंट्री हुई, लोगों ने इसके ऊपर थोड़ा सा चिल्ला चोट करना शुरू कर दिया कि भाई जिसको हम लोग, मतलब अगर हम छोटे शब्दों में शॉर्ट एंड स्वीट समझें तो ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है? वो भी किसी ऐसी चीज़ का जिसको कि आप लोगों से निस्वार्थ भाव से जोड़ना चाहते हो, मतलब जिसमें कि आपका खुद का कोई प्रॉफिट नहीं होता, मतलब आप कुछ बेच नहीं रहे होते हो बल्कि उसमें लोगों का ही फ़ायदा होता है। जैसे कि पोलियो ड्रॉप मान लीजिए, भाई लोगों का ही फ़ायदा था उसमें, सरकार की एक स्कीम थी। अब देखिए करीना कपूर को यहाँ पर योगा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अब करीना कपूर खान के कितने चाहने वाले हैं और कितने उनके ना चाहने वाले हैं ये सभी को पता है, प्रत्यक्ष रूप से सभी के सामने है कि करीना खान के कितने चाहने वाले हैं। अब आप किसी भी ऐसी अच्छी चीज़ का कोई ब्रांड एम्बेसडर बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है वो आप इसलिए बनाते हो जिससे कि लोग उसको देखकर अट्रैक्ट हों उसकी तरफ आने के लिए, ना कि उससे दूर भागें। ठीक है, अब करीना खान की ब्रांड वैल्यू आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा नीचे हो चुकी है, क्योंकि उनने कुछ चीज़ें अभी समय में ऐसी करी कि लोग अब उनको उतना ज़्यादा पसंद करते नहीं। तो आपको ब्रांड एम्बेसडर कुछ ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए जिसको कि लोग पसंद करते हों। भाई आप कंगना रनौत को ले लीजिए, जो कि हर समय सनातन धर्म के बारे में बात करते हैं, भारतीय की चीज़ों को आगे बढ़ाने के बारे में बात करते हैं। यामी गौतम अभी काफ़ी ट्रेंड में चल रही हैं, आप उनको बना सकते हैं। मतलब मैं तो एक ये मार्केटिंग के लिए बता रहा हूँ, लेकिन आपको मेन उद्देश्य ब्रांड एम्बेसडर बनाने का यही रहता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को चुने जो कि लोगों से जुड़ा हुआ हो, लोग जिसको फॉलो करते हों, लोगों के मुद्दों को लेकर वो बात करता हो, तब आपको मज़ा आएगा ज़रा कि हाँ भैया हमने कोई अच्छा ब्रांड एम्बेसडर चुना। अब इसको लेकर कपिल मिश्रा जी ने भी ट्वीट किया कि भाई ये क्या है सीरियसली। तो कुछ समय के बाद जो कि इन्होंने आयुष मंत्रालय ने जो ट्वीट किया था, उन्होंने ट्वीट अब हटा दिया है, अब आपको ये वहाँ पर नहीं दिखेगा। वो तो हम ढूंढते ढूंढते पहुँच गए तो हमें पता चला कि भैया मंत्रालय जो था वो फेसबुक से इसको हटाना भूल गया था, तो हमको वहाँ से ये मिल गया। लेकिन देखिए बात ये होती है कि ट्वीट डिलीट कर देने से क्या होगा, बात तो सामने पहुँच गई, लोगों को तो पता चल गया, अब क्या करेंगे? तो अब आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा सबसे बड़ी बात कि आप किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर चूज़ कर रहे हो, और आप जिस किसी को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हो क्या वो वाकई में उस काबिल है कि उसको आप ब्रांड एम्बेसडर की तरह एंडोर्स कर सकते हो, बोल सकते हो, और वो आपकी चीज़ को एक सही दिशा दे सकता है। और एक समय ये भी आया था जब हमने देखा था कि भैया ये बोर्ड लेके भी खड़ी हो गई थी और बता रही थी कि कैसे हिंदुत्व और हिंदुस्तान के ऊपर मुझे शर्म आती, तो जिस शख्स को हिंदुस्तानी होने पर शर्म आने लगी एक केस से, उसको हम क्या बोल सकते हैं? उस केस के बारे में सभी लोगों ने बात करी, जिसको जैसा समझ में आया उसने अपने तरीके से बोला। लेकिन यहाँ पर करीना खान से दिक्कत इसलिए हो गई, करीना खान की यहाँ पर हिपोक्रेसी सामने आ गई। आपको एक तरफ तो ये दिखता है, लेकिन जब रिंकू के साथ कुछ गलत होता तब आप कुछ नहीं बोलते, ये क्या बात होती है? तो आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ता है मैडम, नहीं तो कहीं ना कहीं चीज़ें इम्बैलेंस हो ही जाती है। क्योंकि ये ब्रांड एम्बेसडर जो होता है ना, ये एक बहुत ज़रूरी शख्स होता है, क्योंकि ये आपकी ब्रांड की इमेज भी बनाता है कि आपका ब्रांड क्या कर रहा है। और अगर आप योगा को एज अ ब्रांड पेश करना चाहते हो पूरी दुनिया के सामने, तो आपको ऐसे व्यक्ति को रखना होगा जो कि भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ। अगर कोई व्यक्ति भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ नहीं है और आप उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाते हो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए मतलब चीज़ सही नहीं होगी। और वैसे भी भाई आप तो सरकार हैं, हम आपको वैसे भी ब्लेम नहीं कर सकते, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सुधार कर लें, वही बहुत अच्छी बात होगी।
क्योंकि लोगों का जो उसके बाद रोष निकल के सामने आता है वो हम ऑलरेडी कई जगहों पर देख ही चुके हैं। मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।